चाहती क्या हो तुम? 5 करोड़ का चेक मेरी भाभी के नाम पे उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूँ। क्या बोल रही हो तुम? वाओ, ब्रावो। चांद की तरह खरा किया है हमेशा। खुदा हाफिज क्यों? मैं तो कहीं नहीं जा रही। मेरा ख्याल है आप लोग चलें, मौलवी साहब मैं आपसे बाहर मिलता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया मौलवी साहब। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती है? कहना क्या अंकल, यहां तक पहुंचने में हमें बहुत नुकसान हुए, बहुत डैमेजेस हुए हमें। ये घर देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं था। ये टूटी फूटी चीजें, बिखरा हुआ घर, खाली किचन, खाली घर जैसे कोई खंडर हो। अब ये सब ठीक भी तो करना है। भाई तो मेरे रहे नहीं, मैं अपनी भाभी को यूं अकेला छोड़कर तो यहां से जा नहीं सकती, वरना ये सब कौन करेगा? बस मैं करूं। तुम क्यों करोगे सर? मेरी जिम्मेदारी हो यार। जो तुम करोगे वो एहसान होगा, जो मैं करूंगी वो फर्ज होगा। आप बात कर रही हो तो? मैं ठीक कह रही हूँ। तो ये बातें तुमने पहले क्यों नहीं की? निकाह के बाद ये बातें करने का क्या मतलब? यहां बात एहसान और फर्ज की हो रही है, हक की नहीं। कौन सा हक? कंपेंसेशन का हक। जो नुकसान आप लोगों ने मेरी भाभी को दिया है वो अपनी पूरी जायदाद बेचकर भी आप लोग अदा नहीं कर सकते। चाहती क्या हो तुम? 5 करोड़ का चेक मेरी भाभी के नाम पे उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूं। क्या बोल रही हो तुम? वाओ, ब्रावो, ब्रावो, आउटस्टैंडिंग। Zed, देख ली तुमने अपनी मोहब्बत की असलियत?